जय माता दी, कैसे हो आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घर में सुरक्षित होंगे। तो अभी है सुबह का टाइम, हम है कंबल के नीचे, मैं और रियाज। तो अभी जो है वो मम्मी चाय लेके नहीं आए हैं, तो वो चाय लेके आने वाले हैं। उसके बाद चाय जो है पी के फिर जाएंगे हम बाहर, उतने को जो है वो धूप भी आ जाएगी। तो आज की वीडियो जो है वो मैंने कल रिकॉर्ड की थी, तो कल हमने काफी कुछ बनाया था। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी हमने कल जो है वो क्या क्या किया था। तो वीडियो को पूरा देखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मम्मी आ गए हैं चाय लेके। ये आई के नानी चाय लेके। सुबह से हम तो इतनी देर से वेट कर रहे थे भाई। रियाज बाबू, चाय ला रखी नानू के लिए, चाय ला रखी नानू के लिए। तो ये मैंने संभाल लिया है मम्मी का चूल्हा, और मैं बनाऊंगी खाना। तो आज मैं बनाऊंगी, आज मैं जो है वो एक स्पेशल डिश बनाऊंगी। ये सुबह मैं ब्रेकफास्ट के लिए बना रही थी, तो ये बहुत इजी है और बहुत ज़्यादा मतलब स्पाइसी भी नहीं है, सेहत के लिए भी बहुत अच्छी होती है और जल्दी जल्दी बन भी जाती है। क्योंकि अगर आप परौंठे खाते हो तो परौंठे खा खा के जो है वो परेशान आ जाते हैं, तो आप उसकी रिप्लेसमेंट में ये डिश बना सकते हो। तो अभी मैं काट रही थी उसके लिए प्याज, और आटा मैंने गूंद के रख दिया था, जो मैंने नहीं दिखाया था कि मैंने कैसे गूंदा था। पर जैसा हम मैंने लुशके की जो वीडियो दिखाई थी उसमें मैंने जो आटा गूंदा था, वैसे ही हमें इसके लिए भी आटा गूंदना है। तो अभी मैं वो आपको आगे दिखाऊंगी। और ये मैंने मेथी ली है, हरी मेथी, और ये है हरा धनिया। तो ये भी जो है वो मैं छोटे छोटे टुकड़ों में इसको काट दूंगी, बारीक बारीक से, सारे धनिए को और मेथी को, क्योंकि धनिए की और मेथी की जो है वो उसमें काफी अच्छी खुशबू आती है, इसीलिए मैं धनिया और मेथी भी उसी में ही डालूंगी। तो मैं इसको अभी काट लेती हूँ। गांव में जो है वो काफी सारी चीजें होती है जो हम बना सकते हैं, मतलब जो घर की ही, हमें कुछ बाहर से एक्स्ट्रा लेके आने की जरूरत नहीं होती, घर पे ही हम जो है वो काफी कुछ बना सकते हैं। एक ही चीज से हम बहुत सारी डिशेज बना सकते हैं, तो काफी टेस्टी टेस्टी वो बन जाते हैं। तो ये गूंदा था मैंने आटा उसके लिए जो मैं बनाऊंगी। उसका नाम तो कुछ भी नहीं है क्योंकि वो कोई ऐसे डिश नहीं है, मैंने खुद से बनाई थी। वैसे मैंने इसका नाम रखा था मसाला लुश्का, क्योंकि ये लुश्के की तरह होता है, और फिर मैंने इसमें मसाला डाल दिया था, मतलब जो जो भी होता है, तो इसीलिए मैं इसको मसाला लुश्का बोलती हूँ। तो इसमें मैंने जीरा डाला था थोड़ा सा, और फिर मैं इसी में ही जो है वो मिर्ची डालूंगी आटे में, जो आटा गूंद के रखा था, थोड़ी सी हल्दी डाल दी, और नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हो, जितना जिसको खाना हो उस हिसाब से डाल सकते हो। तो ये मैंने सारे मसाले जो है वो इसमें ऐड कर लिए थे। अब मैं इसमें डालूंगी धनिया, मेथी और प्याज जो मैंने काट के रखा था। आप अपनी मर्जी से और भी कुछ इसमें ऐड कर सकते हो, पर मेरे पास इतना ही था तो मैं इसमें इतना ही ऐड करूंगी। और इसको डालने के बाद मैं जो है वो इसको मिक्स कर लूंगी, आटे और मसाले को। और आटा थोड़ा, अगर आपको लगे कि गाढ़ा है तो आप आटे में जो है वो बाद में पानी भी डाल सकते हो, जैसे कि मैंने भी डाला, क्योंकि आटा जो है वो काफी गाढ़ा था। और इसको मैं कर लूंगी इस तरह से मिक्स। ये कर लिया है मैंने सारे मसाले को आटे में मिक्स। तो आप लोग जरूर ट्राई करें, क्योंकि ये बहुत टेस्टी होता है खाने के लिए और सेहत के लिए भी अच्छा होता है, मतलब इसके कोई नुकसान नहीं है, कोई ना ऑयल इसमें लगना है, कुछ भी नहीं। तो अब मैंने जो है वो तवा रख लिया है चूल्हे पे, नॉर्मली जो आप कोई सा भी तवा यूज कर सकते हो, नॉन स्टिक की भी कर सकते हो। नॉर्मली मैंने तो जो हम जिस पे हम रोटी बनाते हैं वो वाला तवा यूज किया था, तो मैं इस तरह से जो है वो निकालूंगी और तवे पे इस तरह से इसको डाल लूंगी और थोड़ा सा फैला लूंगी इसको। आप अपनी मर्जी से इसको मोटा पतला अपने हिसाब से रख सकते हो, जितना किसी को रखना हो। और ये मैंने ढक्कन इसके ऊपर लगाया था जो सीडू मेकर था उसका, और मम्मी भी आ गए थे अंदर से रियांश को लेके, क्योंकि रियांश उठ गया था सो के, तो ये उसको लेके आए थे अंदर, ये बाहर था अभी।
और ये है लुष्का, अब ये बन के हो गया है तैयार। तो इसको हम जो है वो दोनों साइड से सेकेंगे। ये देखिए मैंने इसको जो है वो निकाल लिया है एक साइड से, और मैं इसको दूसरी साइड, ये जो आग थोड़ी ज्यादा थी जली हुई इसलिए थोड़ा सा जल गया है। तो इसके लिए जो वो आग होती है, या गैस पे भी बना सकते हो, तो एक सार जो है वो मीडियम पे रख सकते हो आप। और इस तरह से मैंने जो है वो इतने सारे लुष्के बनाए थे। सिंपल है, बहुत सिंपल, इसमें कोई भी ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो इधर मम्मी भी थे और रियांश भी जो है वो खेल रहा था सुबह सुबह, और मैं ब्रेकफास्ट बना रही थी सबके लिए, क्योंकि मम्मी को भी फिर थोड़ी सी हेल्प जो है वो मिल गई थी। ज़्यादा तो क्या, यही बस थोड़ा बहुत खाना खुना बनाने का मैं कर लेती थी। ये देखो ये अपनी मस्ती में खुश है। हेलो, जो है वो ये है खाने के लिए रेडी। इसके ऊपर मैंने डाल लिया है मक्खन, आप घी भी डाल सकते हो जिसको जिसके साथ पसंद हो। मैंने दूध लिया था और इसके ऊपर मैंने मक्खन डाला था, तो मैं जो है वो मक्खन के साथ इसको खाऊंगी गरम गरम। मम्मी भी इधर जो है वो ब्रेकफास्ट कर रहे थे और मैं भी ब्रेकफास्ट कर रही थी। तो आप लोग जरूर ट्राई करें और मुझे भी बताएं कि आप लोगों ने बनाई थी ये वाली रेसिपी या नहीं, और आपको कैसी लगी, तो जरूर आप लोग जो है वो कमेंट बॉक्स में बताएं। फाइनली आज मैं आपको दिखाती हूँ कि मुझे मम्मी ने क्या गिफ्ट दिया था जब मैं गई थी मेहमानी में। तो गिफ्ट जो है वो बहुत ज्यादा प्यारा था, बहुत ही अच्छा था। ये है, आप देख ही सकते हो, तो ये डायमंड का था। और अभी मैं इसको डाल लेती हूँ हर टाइम। आज की वीडियो में इतना ही था, आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आए, क्योंकि आज की वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं थी, मेरे पास ज़्यादा डाटा भी नहीं था। ये वीडियो मम्मी के घर की मैंने रिकॉर्ड की थी। तो अगर आपको नई रेसिपी जो है वो पसंद आए तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें, बहुत टेस्टी थी, ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं थी। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हाँ आप लोगों ने बनाई थी या नहीं बनाई थी, अगर बनाई थी तो आप लोगों को जो है वो कैसी लगी, ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।